स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में, मैं हूं दिव्यांशी। कथा अंतहे की शुरुआत में कथा देर रात आरव के कमरे में जाती है। जैसे ही वह उसके बगल में बैठती है, वह टूटा हुआ और थका हुआ दिखाई देता है। कथा उसे बताती है कि यह उस महत्वपूर्ण बातचीत का समय है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। कथा स्वीकार करती है कि वो जानती है कि आरव वियान को अपने जीवन में वापस नहीं चाहता है और वह उसे दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वह आरव से कहती है कि उसे वियान के बारे में भूलने और उसे माफ करने की जरूरत है, क्योंकि वो भविष्य में फिर से मिल सकते हैं, मिलकर अपने सपनों का घर बना रहे हैं। वह उससे कहती है कि वियान उसे या उन्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और कभी भी उनके जीवन में वापस नहीं आएगा। आरव कहता है कि वह शांत होने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन वह वियान से दोबारा कभी बात नहीं करना चाहता है। वहीं आने वाले एपिसोड की शुरुआत वियान द्वारा कथा आरव और एक दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी तस्वीर देखने से होती है। वह आंखों में आंसू लेकर कथा से कहता है कि वह जानता है कि आरव उससे नाराज है।